अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। लोक अदालत में निगम ने की लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली। नागरिकों का आभार व निगम की टीम को बधाई दी महापौर ने। शनिवार को नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत नगर निगम राजस्व विभाग, जल प्रदाय विभाग, निगम स्वामित्व की दुकान किराया राशि व खाद्य व अखाद्य लाइसेंस की लक्ष्यानुरूप वसूली निगम की टीम द्वारा की गई। आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में करदाताओं द्वारा संपत्ति कर, जलकर की बकाया राशि जमा कराते हुए नियमानुसार सरचार्ज में छूट का लाभ उठाया तथा अन्य करों की राशि भी करदाताओं द्वारा निगम कार्यालय भगवती द्वार सराय इटावा बस स्टैंड झोन कार्यालय व न्यायालय परिसर में जमा कराई गयी। गत नेशनल लोक अदालत में निगम ने रुपए 1,50,00,000 वसूली की गई थी। निगम राजस्व विभाग की टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए इस लोक अदालत में लक्ष्य से अधिक वसूली कर लगभग 2,50,00,000 की राजस्व वसूली की गई। महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने आयोजित नेशनल लोक अदालत में दिए गए लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली निगम की टीम द्वारा किए जाने पर निगम राजस्व विभाग एवं निगम के इस अभियान में लगे सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए शहर के नागरिकों द्वारा निगम के आग्रह पर अपने करों का भुगतान कर शहर विकास में अहम योगदान देने पर उनका आभार माना। प्रभारी तक सभी उपस्थित राजस्व के स्वास्थ्य के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं करते थे तो 1,25,00,000 रुपए लोक अदालत हाईएस्ट 2,00,00,000 लोक अदालत अभी तक गई थी। पर यहाँ पर अब इस बार जो कलेक्शन हुआ है वो 1,75,00,000 रुपए तो संपत्ति कर में और बाकी कोई 70,00,000 रुपए कोई जल कर में और बाकी अपना जो डोर टू डोर कलेक्शन होता है वो सब मिला के और 2,50,00,000 रुपए का अचीवमेंट अपने आप में एक ऐतिहासिक। जैसा कि नगर निगम देवास ने वास्तव में जिस प्रकार का राजस्व कलेक्ट समय में अपने निवास का जो ऊपर जाएंगे इसमें सुखाना बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत संपत्ति में हो उसके लिए मैं नगर निगम के महापौर से राजस्व के नगर निगम की सेवा करते रहते हैं। कैसा कमीशन सारा सम्मान भी किया गया और नगर निगम में करों के भी अच्छी वसूली हुई है इस बार बहुत ज़्यादा। क्या कहना मुझे कल लोक अदालत का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में था, इसको लेकर हमारे देवास नगर निगम ने भी लोक अदालत को लेकर एक लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य को हमारे पूरे नगर निगम की टीम ने वार्ड स्तर तक जो हमारे नाकेदार हैं हमारे दरोगा हैं सब लोगों ने मेहनत करी और मेहनत करके उस लक्ष्य को हासिल कराए। हमारे देवास नगर निगम की लोक अदालत के माध्यम से जो करों का भुगतान हमेशा होता आया है उससे बढ़कर अब के हमने उस लक्ष्य को हासिल करा है और कमिश्नर साहब और हमने तय करा कि हम जब हमारे कर्मचारियों को टारगेट देते हैं टारगेट देकर काम बताते हैं तो फिर यदि वो उस टारगेट को पूरा करते हैं उस काम को पूरा करते हैं तो फिर उनका धन्यवाद भी देना चाहिए। उसी कड़ी में आज हमने हमारे राजस्व विभाग के हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों वार्ड स्तर तक के और वार्ड से लेकर कमिश्नर तक के स्तर के अधिकारियों की हमने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर उनको अच्छे काम के लिए धन्यवाद दिया उनको प्रेरित किया और उसके साथ ही आज हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर बोलेंगे स्वल्पाहार का कार्यक्रम हमने यहाँ पर साथ में रखा है। तो निश्चित तौर पर अच्छे काम की सराहना करना चाहिए और उसी कड़ी में हमने आज ये कार्यक्रम करा है। पहली बार देवास नगर निगम में लोक अदालत के माध्यम से करीब 2,50,00,000 रुपये का कर संग्रहण जो नागरिकों को हमने प्रेरित किया हमारी देवास नगर निगम की टीम ने प्रेरित किया और उन्होंने नगर निगम कार्यालय आकर राजस्व जमा कराया ये हमारे लिए उपलब्धि है और इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है और मैं हमारे कर्मचारी अधिकारियों को तो बधाई देता हूँ साथ ही हमारे देवास नगर के नागरिक बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह पर इस लोक अदालत के अंदर बढ़ चढ़ कर
अपने करों का भुगतान किया है और हमारे इस टारगेट को पूरा करने में अपना सहयोग दिया है, इसलिए उनका भी मैं हृदय की गहराइयों के साथ में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो 1,75,00,000 रुपये करीब राजस्व का कलेक्शन हुआ है संपत्ति कर का, और बाकी 75,00,000 रुपये करीब जलकर और अन्य कर वसूले गए हैं। और ये एक चैलेंजिंग आस्पेक्ट था हमारे लिए, और उसमें हमारे नगर निगम की समस्त टीम ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या दूसरे भी जो कर आए हैं उनको, उसमें हम 2,50,000 रुपये एक लोक अदालत में वसूल हुए हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर आज जो समस्त टीम और स्टाफ है नगर निगम का, उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सम्मान समारोह टाइप एक बैठक, एक उत्साही बैठक थी है, जिसमें हम लोगों ने उनके साथ में सल्पाहार करने का, हमारे नगर निगम के कमीशन ने ये पहल करी कि सब लोगों को उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। वाकई में निश्चित तौर पर बहुत अच्छी पहल थी, जिसमें यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से भी हम 2 सर्वेक्षण पूरे कर चुके हैं, और जिसमें अब 3रा सर्वेक्षण और बाकी है, वो जो JFC के लिए है, गार्बेज फ्री सिटी के लिए, जिसमें हम लोग 5-स्टार रेटिंग में लगभग जाने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर ये टीम जो उत्साहित अभी नगर निगम की यहाँ पर है, इन लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आज हमने एक कार्यक्रम रखा था, और बहुत कुछ उम्मीद है कि हम लोग 5-स्टार रेटिंग को अचीव करेंगे। लोक अदालत ने नगर निगम में अच्छे कर की वसूली करी है, कहना नहीं आप में कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया था, आज भी बेटर ले रहे हैं, कहना लोक अदालत ने नगर निगम की राजस्व की जल करके ठीक लगभग जो है 2.5 करोड़ से अधिक की राजस्व वसूली की गई है। ये विगत लोक अदालत से अधिक जवाबदा है, इसमें सभी निगम के स्टाफ है, कर्मचारी है, अधिकारी हैं, और साथ में माननीय महापौर और सभापति जी का जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, उसी कारण सिलेक्शन हम लोग प्राप्त हुए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक सभी का आपस में उत्साहवर्धन के लिए और आने वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग आज सम्पर्क आगे की जो चीज़ें हैं, आगे की जो चुनौतियाँ हैं उसको तय करेंगे, उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। Thank you.